बागी तिनियाली वाला नियर पुलिस स्टेशन वाला नदी जो है, ये नीचे का नदी नला जो है खाली है, पानी यहाँ से नहीं जा रहा है, पानी सीधा रास्ता में आ गया है लेकिन हाईवे में नहीं निकला है। ये पानी जब भरा था, अभी पानी तो छोटा हो गया, जब भरा था ये पानी सीधा मेरा घर में, ये नदी जो सीधा मेरा घर में आ गया। अभी आप ये देख सकता है ये नला जो है खाली है, ये नला पूरा वो रास्ता में गुमिन कॉलोनी और मिंग्यो कॉलोनी जाने वाला रास्ता में पूरा भर्ती हो गया नदी जो, अभी थोड़ा छोटा हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकता है ये एक कलबत है, कलबत का नीचे पानी नहीं जा रहा है, कलबत का ऊपर से पानी होके सीधा रास्ता में है, और ये रास्ता जो है ये पानी जो है ऊपर से होके सीधा मेरा घर में लग रहा है। मेरा घर में सीधा नदी आ गया था, दैबड़ हो गया था, क्योंकि ये जो है सीधा बंद है। इसमें देख सकता है ये कलबत का ऊपर से है, पूरा नला ब्लॉक हो गया, नला ब्लॉक होके ये पानी जो सीधा रास्ता में आ रहा है गुमिन कॉलोनी और मिंग्यो कॉलोनी जाने रास्ता में, न्यूर्जली का ऊपर पूरा अभी नला ही नहीं है। ये नला क्यों नहीं है, इसका रीज़न है ऊपर में आर्ट कटिंग का वजह से, आर्ट कटिंग बहुत ज़्यादा चला है, तो क्यों यहाँ में ऐसे बार बार पानी निकल रहा है, ये चीज़ को कभी भी कंसर्न डिपार्टमेंट लोग भी, डीसी लोग भी जानने के लिए कोशिश नहीं किया है क्या? हमको आइडिया नहीं, मेरा घर में कभी ऐसे नहीं आया था। मेरा घर का पूरा वॉल टूट गया है, नदी सीधा मेरा घर में आ रहा है। डेली रानी नाबम है मेरा लोकेशन सर, ये जो है पुलिस स्टेशन के सामने में, नियर पुलिस स्टेशन हम लोग एड्रेस लिखता है। मेरा घर का पीछे से गुनी कॉलोनी एंड मिंग्यो कॉलोनी मेरा घर का पीछे से जाता है। तो मेरा एरिया जो है, मेरा जगह जो है, ऐसे प्लाट जो मैंने इतना भयंकर से प्लाट आया है, क्या मैंने बोलने का मुताबिक ये है कि वहाँ का नला पानी जो है मेरा घर में सीधा घुस गया था। जबकि हम लोग हर साल दिखता है कि पानी जो है सीधा हाईवे में कभी निकल जाता है, कभी नला से चला जाता है, ऐसे करके पानी जाता था। लेकिन उस दिन एक तारीख को मेरा घर का वॉल को पूरा तोड़ के यहाँ आ गया। क्यों तोड़ा है, क्यों आया है, रीज़न जो है पीछे में आर्ट कटिंग का वजह से है। तो आर्ट कटिंग जो का वजह से ही हमारा जितना प्लाट आता है, जितना लैंडस्लाइड होता है, इतना मैसिवली मतलब प्रॉब्लम आता है। तो मेरा घर जो है अभी जब भी पानी आएगा सीधा नला पानी जो है रिवर है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अभी भी वहाँ पूरा पुल है, बंद होके रखा है, अभी पानी जाने का रास्ता में है नहीं। वहाँ एक कलबत है पीछे में, आप देख सकता है कल रात देखा है कि कलबत का नीचे से पानी नहीं जा रहा है, कलबत का ऊपर से पानी जाके सीधा मेरा यह घर में सीधा नदी जो आ गया था। तो अभी भी आप देख सकता है वो पीछे में गंदा को उताया ही नहीं, अभी तक पीछे में पूरा बरती है ना, सुबह से कोई आदमी आया ना कल से कोई आदमी आया है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी चेक करने नहीं आया है। अभी पानी जब भी आएगा मेरा घर में ही मार के जाएगा। उस दिन एक तारीख में जब पानी आते समय क्या हुआ है, पूरा यहाँ का पानी जाके पुलिस स्टेशन का वॉल को भी तोड़ दिया, ऐसे हुआ है। तो हम लोग का लाइफ का सवाल है। तो उसमें मेरा बोनी का घर में रूम में पूरा पानी घुस गया था, वॉल गिर गया, मेरा सारा वॉल गिर गया, बोनी का रूम में घुस गया था। बस इतना है कि मेरा बोनी को हार्म नहीं हुआ है, वॉल नहीं टूटा है बोल के बच गया, लेकिन खिड़की से पूरा पानी घुस गया था। तो चीज़ जो है ये है, बोलने का मुताबिक ये है आर्ट कटिंग से ही सब कुछ प्रॉब्लम निकल रहा है। तो आर्ट कटिंग नहीं होने से छोटा छोटा लैंडस्लाइड होता है। कोई लोग बोलता है कि मेरा से नहीं निकला है, ऐसे कुछ सोचता होगा। हम तो पहले 2-3 साल पहले कर लिया, 2-3 साल पहले करने से भी उसका डिपॉजिट जो है नला को बंद कर देता है, डिपॉजिट हो के नला का पूरा भर्ती हो जाता है, इसका वो पानी जो ओवरलैप होके दूसरा घर में घुस रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दे रहा है, मेरा घर में दिया, पुलिस स्टेशन में दिया, जितना डेमुक रोड डैमेज हुआ है, ऐसे हुआ है। तो ये मीडिया का थ्रू हम जो बताना चाहता है कि आर्ट कटिंग
को स्टॉप करने से ठीक है। आर्ट कटिंग जो करने से भी, वो तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोई आर्ट कटिंग करता है वो तो करने से भी, हम जो ये मीडिया का थ्रू ये फील करता है कि आर्ट कटिंग करने से भी आप लोग जो है वहाँ का गंडा को उठा के फेंक देना चाहिए। और यदि ये करना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम प्रॉब्लम नहीं हो, आप लोग ऐसे कोई कोई करता है कि ऊपर में कटिंग कर देते, नीचे डाउन स्ट्रीम वाला आदमी मरो या ना मरो कोई फिक्र ही नहीं है। तो यहाँ में हम लोग का ऐसे प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। जैसे आर्ट कटिंग करने से भी, लाइक एग्जांपल ले लो, आप वहाँ लेकी में देखिए, वो लेकी का वहाँ टर्निंग में एक टर्निंग है, वहाँ का इतना बड़ा पहाड़ को कट के चला गया, एक टुकड़ा चीज़ जो है रास्ता में नहीं आया है। तो हमेशा आर्ट कटिंग करने से ये रखना है कि डाउन स्ट्रीम वाला को प्रॉब्लम नहीं होना, उसका प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं करता है कि छोड़ देता है, डाउन स्ट्रीम मरो या जियो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को कुछ इफेक्ट ही नहीं है। नाला का बारे कंप्लेन किया ना नहीं किया है उसका बारे हम तो मालूम नहीं है, लेकिन पुलिस स्टेशन और इसके बाद वहाँ में डैम रोड डैमेज होता है वो तो कंप्लेन करो ना करो, उसमें सब प्रॉपर्ट सब लोग देख ही रहा है ना, सब लोग देख रहा है कहाँ डैमेज हुआ है, पुलिस स्टेशन डैमेज हुआ है, रोड डैमेज हुआ है। कभी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग आके ये कौन सा जगह से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, क्यों इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कभी जाके देखा है, कभी वो लोग छानबीन किया है, कभी दुना है क्या? हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव को ये पूछना चाहता है, इतना डिस्ट्रक्शन हो गया है, इतना प्रॉब्लम होने का बाद भी कभी भी एक्शन नहीं लेता ऐसा लग रहा है, कभी जाके वो लोग देखा है क्या, कहाँ से कोजेस क्या है, रीजन क्या है, इतना साल से निकल रहा है, हमेशा रोड ब्लॉक हो जाता है, हमेशा पुलिस स्टेशन फुल हो जाता है, हर घर डैमेज हो रहा है। लेकिन आज हमको मीडिया में आना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि मेरा घर जो है वॉल को तोड़ दिया है और नदी यहाँ से ही आ रहा है, तो नदी यहाँ से आ रहा है और मेरा भी लाइफ का सवाल है, लाइफ जो एक बार मिलता है हमको इसको अच्छे से जीना है। और मेरा प्रॉपर्टी, मेरा घर इतना डैमेज हो गया, उसको कौन रिस्क लेगा? तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग को ये मेरा जितना प्रॉपर्टी डैमेज है उसको भी आप लोग देख दीजिए, और खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थोड़ा जितना भी वार्ड है मेंबर लोग है, निर्जली का पंचायत लीडर है, आके मेरा घर को थोड़ा विजिट कर दीजिए। ये मीडिया का थ्रू ही हम थोड़ा मैसेज जाने देने के लिए ये मीडिया को मतलब अपील करता है कि हम लोग का डाउन स्ट्रीम बेचने वाला आदमी को, मिट्टी काटने वाला लोग जो है थोड़ा ध्यान रखे। जितना भी डैम बनाने से भी देखिए डाउन स्ट्रीम वाला लोग कितना प्रोटेस्ट करता है कि डैम बनाने नहीं देगा, डाउन स्ट्रीम वाला प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग का भी यही प्रॉब्लम है, अभी मेरा जीना मरना, तो मेरा घर जो है अभी बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया, बहुत प्रॉब्लम कम्प्लीटली डैमेज हो गया, आप वीडियो में देख सकता है। और पीछे जा कल बाद जो है अभी तक सपा नहीं किया है, वो कल रात हो गया अभी तक कोई भी नहीं आया है, सपा नहीं कर दिया, अभी पानी आना सीधा मेरा यहाँ आ रहा है। कल तो बोलने से तो कल बात का वहाँ से होके मेरा कल बात से सीधा नीचे जाने नहीं सका पानी, तो यहाँ रिवर जो सीधा यहाँ आ गया। ये मीडिया का थ्रू से हम कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटिव को ये बोलना चाहता है, आर्ट कटिंग करने वालों को आप लोग स्ट्रिक्टली देखने से ठीक है। और इसके बाद जो है जितना भी आर्ट कटिंग करने वाला को अब तो रुखाया है पर भी मानता नहीं है, सब काटता है, ऐसे काटने वाला को आपसे परमिशन नहीं लेके काटने वाला को आप अरेस्ट करना चाहिए। इसके बाद वो लोग काटा भी है तो जितना वहाँ मिट्टी को फेंक देना चाहिए, नला बंद है तो नला को सफ़ा कर देना चाहिए, नहीं तो वो लोग ऑटोमेटिकली जितना आर्ट कटिंग वाला लोग जो है वो लोग जो अरेस्ट होना चाहिए। तो ये मीडिया थ्रू से हम ये बोलना चाहता है कि जितना भी आर्ट कटिंग वाला लोग कट रहा है या कटने के लिए प्लानिंग है, काइंडली आप लोग जो डाउन स्ट्रीम में बेचने वाला को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी डैमेज होने से बार बार बनाने नहीं सकता है, आदमी का लाइफ चला जाने से उसको वापस लाने नहीं सकेगा, आप जितना भी रिग्रेट करो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आप ये स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इसको बोलना चाहिए कि आर्ट कटिंग को टोटली आप लोग बैन करो बोल के हम तो बोलेगा, लेकिन भी आदमी लोग का पर्सनली डेवलपमेंट भी चाहिए, डेवलप करो, करना भी है, करने से भी डाउन स्ट्रीम को आप लोग देखना चाहिए, और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग उसको चेक एंड बैलेंस करने से बहुत अच्छा है, ये हम मीडिया का थ्रू बोलना चाहते हैं।
सर हाल ही में हमारे APN Life 24 ने विजिट किया था बागीतिन हाली पे, तो वहाँ पे ये इलीगल आर्टिंग होने की वजह से काफ़ी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सब भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ वहाँ का जो थाना है उसका भी जो वाल जो है वो भी वो कोलैप्स हो गया। तो सर इनके बारे में सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये लास्ट ईयर जब ये घटना हुआ था सेम चीज़ जो बारिश का वजह से रास्ता पे पूरा फ्लड हो गया था, तो ये बार बारिश में भी हुआ। कारण जो है बारिश का वजह से है मेनली। तो लास्ट ईयर जितना भी आर्ट कटिंग किया था वो आर्ट कटिंग को लेके हमने सो मोतो केस लिया। 133 CRPC में मैंने डायरेक्शन दिया, ये डायरेक्शन सिर्फ जो आर्ट कटिंग करता है उसका सिर्फ नहीं होता है, आर्ट कटिंग कोई करता है, आर्ट कटिंग को रोकने के लिए जो हमारा मशीनरी है वो पुलिस डिपार्टमेंट है। हमने उस पुलिस थाना को भी कॉपी दिया है कि ऐसे कोई आर्ट कटिंग करने से उसको एक्शन लेने के लिए। दो पार्ट है, एक पार्ट है जो सड़क का नाला का जो इंचार्ज होता है उनको भी डायरेक्शन दिया, मीटिंग हुआ, जो वहाँ का जो कंडक्टर है ये नवम तुलुन का जो पार्म है साइड उसका है, उनका बेटा आया था मीटिंग में, और NHIDCL का भी जो MD है उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी, उन लोगों ने भी मीटिंग में आया था, और स्पोर्ट में कम से कम 2-3 बार विजिट भी हुआ। दो चीज़ है जो हम कह रहे हैं कि एक है जो सड़क का इंचार्ज होता है, दूसरा है जो इस घटना से कनेक्टेड हमारा जो 133 CRPC जो है उसको लेके आप जैसे बता रहे कि ताना का वहाँ पे पानी और मद घुसने का बात कर रहा है, मैं ताना का OC और SP को डायरेक्शन दिया था कि ये सब को चेक करें, और जैसे हमने सो मोतो केस करने से पहले मैं पैदल गया वहाँ तक जहाँ पे ये आर्ट कटिंग हुआ है, तो हम जो विजिट किया वो आर्ट कटिंग तो एक साल पहले ही कट चुका हुआ होता है, तो उसके बाद अगर आर्ट कटिंग करता है जो थाना को भी ये चीज़ को देखना चाहिए कौन कटिंग कर रहा है, एक्शन लेना चाहिए। दूसरा है जो लोग इस सड़क पे चलता है उन लोगों को भी सरकारी ये मना नहीं किया है कि आप उस सड़क पे चलते हैं, सिर्फ सरकारी जो ऑफिसर है वही सिर्फ बात करना है, आप फेसबुक में या आपका ये चैनल का माध्यम में सिर्फ भाषणबाजी करने से वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता है। ना ही मेरा पास में करोड़ का पैसा है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। कहने का मतलब ये है कि सभी लोग जो उस सड़क पे चलते हैं जिसको दिक्कतें आते हैं और जिसका घर में ये पानी घुसता है जैसे पुलिस थाना है निर्जुली का, और हम जो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है, तो हम सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं लेने के कारण से आज कल परसों जो वहाँ में सड़क पे पूरा पानी आ गया। मेरा भी घर उसमें उस निर्जुली में है, मुझे पूरा मालूम है क्योंकि मैं भी उसी सड़क के आसपास में तो घूमता हूँ, तो इसलिए समस्या को सुलझाने के लिए जो कोशिश रहा लास्ट ईयर में वो एक ताकि जो हमारा आर्ट कटिंग है वो बंद होना चाहिए था, और दूसरा है आर्ट कटिंग को जो कर रहा था उनका ऊपर में FIR सुम हो तो पुलिस लोग लेके उसको केस रजिस्टर करके उनको सज़ा देने के लिए कोशिश करना चाहिए था। तीसरा जो हमारा जो
NHIDCL का ही सड़क है, उसको बोला गया था कि ड्रेन से ऊपर रोड का जो परमिशन लेवल है वो उठाना है, वो भी नहीं उठाया। और उसके अलावा जो ड्रेन है वो जो ड्रेन है और नदी डिक्रोंग तक लेके गया है, ड्रेन जो है उस समय ही लास्ट ईयर ही हमने देखा था कि वो पूरा भर गया था। तो वो ड्रेन को क्लीन करने के लिए म्यूनिसिपल जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, म्यूनिसिपल का कमिश्नर दोनों को लेके वहाँ इंस्पेक्शन भी किया गया था कि उसको एक इस्टीमेट बना के ड्रेन को सफा करने के लिए वो सरकार को प्रपोजल देना चाहिए था। तो वो जो म्यूनिसिपल जो है आज कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दोनों को एक आपसे रिक्वेस्ट है, उनसे भी एक बार संपर्क करें क्या क्या स्टेटस में, कौन से पोजीशन में वो स्कीम हो या इस्टीमेट हो, लास्ट ईयर का है तो उसको पता करें। और ओवरऑल में यही है कि सभी लोग अपना अपना काम करना चाहिए। डीसी का काम जो करना है वो अपना कर चुका है, लेकिन जो एजेंसी है जैसे पुलिस है जो आर्ट कटिंग है उसको केस रजिस्टर करके सजा करा दिलाना चाहिए था, उसका स्टेटस क्या है वो एसपी साहब और ओसी को पूछ सकते हैं। दूसरा है 133 सीआरपीसी में जब हमने केस ये ऑर्डर बना के रखा है उसको लेके वो केस आगे बढ़ा सकता है। और ये NHIDCL को एक बार आप उनका भी इंटरव्यू लेने से ठीक है, वो अपना बात को किसलिए कंप्लाई नहीं किया, उसको लेवल उतारना था प्रमोशन लेवल को वो नहीं किया। और जो घर मैंने विजिट किया है जिस घर का वहाँ से जो पानी आता है वो पानी तो हमने देखा है वो घर से लेवल से नीचे में है, घर का ऊपर में आ जाता है, तो उनको भी बात किया था कि उसको अपना घर का जो अंदर से जो नदी जा रहा है नाला जा रहा है उसमें जो जितना भी डिपॉजिट किया है मिट्टी जो है उसको उनको क्लियर करना चाहिए था। तो ये सारा चीज़ नहीं हुआ होगा इसलिए ये आदमी को तकलीफ हो रहा है। तो इसको मेरा तरफ से एक बार रिव्यू करेगा, देखेगा कि कौन किसने काम नहीं किया है, करना चाहिए ताकि नेक्स्ट बारिश में किसी को तकलीफ ना हो। तो जो सर कंसर्न जो अथॉरिटी है आपकी तरफ से मतलब क्या डायरेक्शन दिया आपने? डायरेक्शन तो लास्ट ईयर दिया था, तो उनको रिव्यू करेंगे हम, अभी कोई डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं है, रिव्यू करेंगे कि उन लोग एक्शन लिया है कि नहीं लिया।